नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द कोर टेक्नोलॉजी में। देखिए, जहां स्कैनर की बात आती है तो कुछ बुक्स को आपको स्कैन करना है तो आप वहां पर फ्लैट बेड स्कैनर ले सकते हैं, जहां पे आप बुक्स को उसके ऊपर रखे स्कैनर के ऊपर और स्कैन कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपको बहुत ज़्यादा बल्क में डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हो तो फिर आप कैसे करेंगे, उनके लिए आते हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर। ये स्कैनर काफ़ी फास्ट होते हैं और एक एक पेज आपको लगाना नहीं पड़ता है इसमें। बल्क में आप बहुत सारे पेज लगा दीजिए, उसको वो स्कैन करता रहेगा। PDF में, JPG में एक बंच बन के आपको मिल जाएगा वो। तो चलिए, इसी तरीके से आज एक स्कैनर लेके आए हैं, एप्सन का 532nd, जो एक डॉक्यूमेंट स्कैनर है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके अभी हम देखते हैं। तो ये स्कैनर है एप्सन कंपनी का, वर्कफोर्स DS532nd, और ये एक डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है जो बहुत ही फास्ट होता है। और इसकी अगर हम MRP की बात करें तो इसकी MRP है 35,999, लेकिन ये 32,000 में आपको मिल जाएगा मार्केट। खोल लेते हैं। सबसे पहले इसमें निकली है एक USB 3.0 केबल, एक प्रिंटर की केबल निकली है इसमें, पावर केबल, स्कैनर का एक अडेप्टर और इसमें एक स्कैनर। तो इस स्कैनर की जो स्पीड होती है वो 35 पेज पर मिनट होती है और ये बोथ साइड स्कैन कर सकता है। एक ही बार में आपको लगाना होगा पेपर, और वो बोथ साइड का ऑप्शन इसके सॉफ्टवेयर में होता है। आप बोथ साइड स्कैन करना चाहते हैं तो बोथ साइड स्कैन करते ही आपको PDF या JPG जिसमें भी आप फॉर्मेट में चाहते हैं उसमें आप इसको स्कैन कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है इसको। इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, बहुत ईजी हो जाएगा ये। और जहाँ पर बल्क में बहुत ज़्यादा इसमें हमें स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये स्कैनर यूज़ किए जाते हैं। थोड़े कॉस्टली होते हैं अगर फ्लैट बेड स्कैनर के कंपेरिजन में इसको कंपेयर किया जाए तो कॉस्टली होते हैं, लेकिन काम हमारा इनसे ही बनता है। फ्लैट बेड से आपको एक ही पेपर लगाना पड़ेगा, इसमें आप 10, 20, 50 जो भी पेज आपके हैं वो एक बार में लगा दीजिए, एक स्कैन, एक PDF आपकी बन के आ जाएगी। उसमें आपको एक ही पेज स्कैन करना पड़ेगा, फिर PDF से जोड़ना पड़ेगा। में ये पावर बटन होता है इसका, इसे आप ऑन ऑफ करेंगे। ये डबल फीड डिटेक्शन बटन होता है, ये स्लो बटन होता है, ये इसका स्टॉप बटन है और ये स्टार्ट बटन है। डबल फीड डिटेक्शन बटन जो होता है, अगर इसमें मल्टीपल पेजेस एक साथ जा रहे हैं तो स्कैनर को स्टॉप कर देगा वो, तो इसको आप पेपर निकाल के रिज्यूम करना होगा। स्लो बटन जो होता है इसका, अगर आपके पेपर में रिंकल्स होते हैं तो वह पेपर इसमें लगा दीजिए और फिर स्लो स्कैनिंग करिए जिससे पेपर इसमें फंसेगा नहीं। तो इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे जाकर इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर Epson.com सपोर्ट पे जाके आपको इसके सारे ड्राइवर्स मिल जाएंगे। तो विंडोज़ आपकी ये डिटेक्ट कर लेगा कौन सी विंडोज़ है, कितने बिट में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। आपको एक ये ड्राइवर UTTs डाउनलोड करना है, दूसरा स्कैनर ड्राइवर आपका ये, इसको भी आपको भी डाउनलोड करना है। तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे एक तो सेकंड नंबर पे, और आप अगर ये फर्स्ट वाला डाउनलोड करते हैं तो एक कॉम्बो पैक होता है, इसमें सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे। ये ऑनलाइन
इंस्टॉलेशन टाइम पर ही डाउनलोड करेगा। एक आपको यूटिलिटीज़ में जाके ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्सन डॉक्यूमेंट कैप्चर प्रो, इसी से सारी स्कैनिंग होती है। तो आप ये दो ड्राइवर्स आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप सर्च में जाके डॉक्यूमेंट कैप्चर प्रो को सर्च कर लीजिए आपको, और इसे आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो एप्सन का आपका जो स्कैनर है वो मॉडल नंबर आपका शो कर जाएगा और ये डिटेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, स्कैन डबल साइडेड, स्कैन सिंगल साइडेड, और कुछ आपको यहाँ पर सेटिंग्स भी मिलेंगी जिसमें कि इसके ब्लैंक पेज और डिटेक्ट डबल फीड, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, आप इसको हमेशा चेक करके रखिए जिससे कि आपको स्कैनिंग भी ईजी होगी। और यहाँ पे आप DPI सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कलर ब्लैक एंड वाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें पेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका हो, तो इसको सारा का जो भी आपके इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप पेपर आपके स्कैनर पे लगेगा और ये आप स्कैन पे क्लिक कर दीजिए। ये फास्ट स्कैनर होता है और ये 35 पेजेस पर मिनट में स्कैन कर देता है। अभी देखिए यहाँ पर ये स्कैन हो गया है, प्रोसेस हो गई है यहाँ पर, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करके आप इसको स्कैनिंग कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन हो जाते हैं, एक ही PDF में ये बन जाते हैं। और आप यहाँ पर देखिए, और ऐड करने के लिए, रोटेट करने के लिए, सारे डिलीट करने के लिए यही ऑप्शन आपको एक ही विंडो पे यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं।